तुलसीदास जी और सूरदास जी, एक के इष्ट बड़े और दूसरे के इष्ट छोटे। अब देखना चमत्कार क्या होता है, अपने अपने इष्ट अपना अपना कैसा प्रभाव दिखाते। अब प्रभाव का भी दर्शन करो, पागल हाथी दौड़ता हुआ आ रहा है और उसको थोड़ी मालूम कि संत है, वो थोड़ी पहचाने कि गोस्वामी तुलसी है, वो कोई को नहीं पहचाने, तो पागल है, दौड़ करके आ रहा है। तुलसीदास जी महाराज ने भगवान राम का ध्यान किया तो आकाश से एक बाण आया और हाथी के पैर में लग गया। जैसे ही हाथी के पैर में बाण लगा, हाथी वहीं का वहीं स्तब्ध हो गया, वहीं रुक गया, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। तुलसीदास जी कहने लगे, देखा सूरदास, तुम अब कोने में छिप करके बैठ गए, बाल गोपाल को लेकर के भाग खड़े हुए, देखो मेरा इष्ट, मेरे हाथ में कोई धनुष बाण है क्या? कुछ नहीं है ना, केवल भरोसा है, भरोसा किया। इतने में ही न जाने कहां से बाण आया और पागल हाथी के पैर में लग गया और हाथी वहीं का वहीं खड़ा रह गया। सूरदास जी बोले, तुलसीदास जी आप बड़े आदमी, बड़े महात्मा, हम तो छोटे हैं और हमारा बाल गोपाल भी छोटा है, हम क्या करें, हम तो छिप करके बैठे, हाथी से डरते हैं। इतने में क्या चमत्कार हुआ, बाल गोपाल के मस्तक पर मोर पंख था। क्या था? मोर पंख। और जैसे ही सूरदास जी महाराज ने अपने बाल गोपाल को अपने हृदय से लगाना चाहा, प्रबल आस्था से कि हे बाल गोपाल, मैं तो आपको ही मान चुका हूं, आत्मसमर्पण कर चुका हूं, यदि तुलसी का अरमान है तो मेरा आत्मसमर्पण है। शब्दों को पकड़ना, तुलसी के राम बड़े हैं, अब राम बड़े हैं तो बड़े का अरमान होता है। आपके रिश्तेदार यदि मंत्री बन जाएंगे तो आपको अरमान होगा, अधिकारी बन जाए, कलेक्टर बन जाए, आपको अरमान होगा, सीधी सी बात। आपके राम बड़े हैं तो आपको क्या, जल्दी बोलो, अरमान है। लेकिन मेरे श्याम सुंदर गोपाल छोटे हैं तो मेरा आत्मसमर्पण है। जैसे ही ये भाव उन्होंने बनाया, भगवान के मस्तक पर जो मोर पंख पधराया हुआ था वो मोर पंख उड़ करके गया और उस पागल हाथी के माथे पर ऐसा लगा कि उस पागल हाथी का दिमाग भी सही हो गया और पांव में जो घाव था वो भी सही हो गया।